कि एक बार अपना भोजन कर ले। और ये बहुत ही अच्छा मैच चला हुआ है। ये रोड की साइड कौन सी टीम है जी? खानपुर स्टेडियम। ये रोड की साइड खानपुर स्टेडियम है और जो दूसरी साइड टीम है वो मुकेश अकेडमी किलोई। दोनों ही टीमों के बीच में बहुत ही बढ़िया मैच चलता हुआ और ये रेडर को आउट कर दिया गया। नेक्स्ट रेड मुकेश अकेडमी किलोई की तरफ से। और ये छह का कोर्ट है, छह बंदे उपस्थित हैं तो इसलिए बोनस ऑन है। और मुकेश अकेडमी किलोई की तरफ से खिलाड़ी रेड करता हुआ और ये शानदार एक नंबर मुकेश अकेडमी किलोई को खानपुर स्टेडियम की तरफ से आठ नंबर जर्सी में रेड करता हुआ खिलाड़ी। और ये बहुत ही बढ़िया प्रयास, बहुत ही अच्छा और जानदार शानदार मैच चला हुआ है। शाबाश, वेरी गुड। ये बहुत ही बढ़िया टैकल। अगली रेड मुकेश अकेडमी किलोई की तरफ से। और ये बहुत ही बढ़िया शानदार परिचय, ईमानदारी का परिचय दिया गया। अगली रेड खानपुर स्टेडियम की तरफ से। और ये बहुत ही अच्छा मैच चला हुआ है दोनों टीमों के बीच में। ऑफिशियल साहिबान से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कृपया करके ये दूसरा ग्राउंड भी तैयार कर दिया जाए, ग्राउंड नंबर दो। डीपी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक ग्राउंड नंबर दो भी तैयार करवा दो। ये बहुत बढ़िया खानपुर स्टेडियम की तरफ से टैकल कर लिया गया है और ऑफिशियल का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। मैं दोनों ही टीमों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कृपया शांत स्वभाव के साथ खेलें। भाई ये जो आपसी लड़ाई है ये सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट के लिए है, फिर दोनों ही टीमें आपस में भाई भाई हैं। तो जो मैच खेले बहुत ही सरल स्वभाव के साथ खेले, खेल और खेल नीतियों के अनुसार खेलें। और अगला जो मैच होगा वो पाई स्कूल वर्सेस सरस्वती एकेडमी के बीच में होगा। अगला मैच पाई स्कूल वर्सेस सरस्वती एकेडमी के बीच में होगा। दोनों ही टीमें तैयार हो जाएं भाई। और अब पांच नंबर की कुर्सी में रेड करता हुआ, दो और ढाई रेड है या करो या मरो की स्थिति में देखो ये लड़का क्या कमाल करता। भाई ये अगली दोनों टीमें तैयार हो जाएं, पाई स्कूल वर्सेस सरस्वती एकेडमी, पाई स्कूल वर्सेस सरस्वती एकेडमी। और इससे जो अगला मैच होगा वो एनजीसी कथुरा वर्सेस नवीन कैथल, एनजीसी कथुरा वर्सेस नवीन कैथल के बीच में होगा। यह सुपर रेड भी भाई बहुत अच्छा कमाल करे लड़के ने, सुपर रेड। होली में नौ नंबर की जर्सी में बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। Thank you.
हेलो, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सबका एवरग्रीन सोसाइटी, वेलफेयर सोसाइटी मुड़लाड़ा यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। आज के दिन का पहला मुकाबला, एक तरफ खानपुर की टीम है दोस्तों, दूसरी तरफ मुकेश कबड्डी एकेडमी कलोई। और बहुत कांटे का मुकाबला है। अब तक का जो स्कोर है वो इस प्रकार है, 5 अंक है मुकेश एकेडमी कलोई के, और उसके मुकाबले 7 अंक है खानपुर स्टेडियम। इस प्रकार से 2 अंकों की मामूली बढ़त खानपुर के पक्ष में है, बोनस टू रेडर। और ग्राउंड नंबर 2 खाली है जी, लठवार साहब प्रदीप जी, अगली टीम को आप मैदान नंबर 2 के लिए पुकार सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, अगले 2 मैच बोल दो आप। पाई स्कूल वर्सेस सरस्वती एकेडमी। सोनू लठवाल आ जा भाई, वो और ये शानदार पहला लोना लगाया खानपुर स्टेडियम की टीम ने मुकेश एकेडमी कलोई की टीम को, बेहतरीन मुकाबला। अगली दोनों टीमें अपने आप को वार्म अप कर ले, मैदान खाली है जी आपके लिए, जल्द से जल्द आए, प्रतियोगिता का आखिरी दिन है, पारितोषिक समारोह। हमारा प्रयास रहेगा कि सूर्य की रोशनी में फाइनल मुकाबला कराया जाए। और आज के हमारे खेल समारोह के मुख्य अतिथि, युवा दिलों की धड़कन, राज्यसभा सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पारितोषिक वितरण समारोह में शिरकत करेंगे। मैं गांव के सभी गणमान्य व्यक्तियों से, 36 बिरादरी से हाथ जोड़कर के विनती करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारी इस प्रतियोगिता में पहुंचकर इस प्रतियोगिता की शोभा। सेकेंड टाइम आउट, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ टाइम आउट है। एक हाफ में एक टीम केवल 2 बार टाइम आउट ले सकती है, और दोनों टीमों के टाइम आउट पहले हाफ के पूरे हो चुके हैं। इसके बाद भी यदि आप टाइम आउट लेते हुए पाए गए तो आपके खिलाफ टेक्निकल पॉइंट दिया जा सकता है। स्कोर है 8-15 इन फेवर ऑफ खानपुर स्टेडियम। हेलो भाई, जो ये लड़कियां हैं एवरग्रीन वेलफेयर सोसाइटी मुड़लाड़ा की, जो ये लड़कियां हैं ये इधर उधर नहीं घूमे, कितनी देर होगी सारी इधर उधर एक जगह बैठ के आराम से मैच देखें। और जो ये अगला मैच होगा ये पाई स्कूल वर्सेज सरस्वती एकेडमी के बीच में होगा, इससे अगला मैच एनजीसी कथोरा वर्सेज नवीन कैथल, एनजीसी कथोरा वर्सेज नवीन कैथल, दोनों टीमें कोर्ट नंबर 2 पे पहुंच गए भाई। एनजीसी कथोरा वर्सेज नवीन कैथल, ओनली कैप्टन कंट्रोल फॉर द टीम, ऐसा कबड्डी का नियम है, और कबड्डी के सभी नियमों की आप पालना करें। हमारे सभी ऑफिशियल का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, एवरग्रीन वेलफेयर सोसाइटी मुड़लाड़ा की इस पावन धरा पर
आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माननीय प्रवीण जी राठी, राजेश जी नरवाल, सुरेंद्र जी कैथल, सिन्नत जी कैथल और हमारे कुलदीप मलिक जी, दूसरे हमारे साथी बैसवाल से आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है, वेलकम है। और मैं ये एवरग्रीन वेलफेयर सोसाइटी मुड़लाना से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक बार हमारे बीच में माननीय श्री विकास सांगवाड़ जी पहुंच गए हैं, एक बार गेट पे से लेके आए मैं उनको। भाई मैं संदीप लठवाड़ जी, दीपक लठवाड़, मनोज लठवाड़, सोनू लठवाड़, इन सब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारे बीच में विकास सांगवान नरोड़खेड़ा से हमारे मध्य विकास सांगवान जी पहुंचे हैं, एक बार समस्त एवरग्रीन वेलफेयर सोसाइटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई साहब को रिसीव करें एक बार। और जो अगला मुकाबला होगा वो ताई स्कूल वर्सेस सरस्वती एकेडमी, दोनों ही टीमें ताई स्कूल वर्सेस सरस्वती एकेडमी, इस मैच के तुरंत बाद दोनों टीमें तैयार हो जाए भाई। और उससे अगला मैच एनजीसी कथूरा वर्सेस नवीन कैथल, इससे अगला मैच एनजीसी कथूरा वर्सेस नवीन कैथल के बीच में होगा। 15 मिनट में ये दोनों टीमें कोर्ट नंबर 2 पे पहुंच जाए भाई। नवीन कैथल वर्सेस एनजीसी कथूरा, दोनों टीमें ग्राउंड नंबर 2 पे पहुंच जाए। एनजीसी कथूरा वर्सेस नवीन कैथल, दोनों टीमें ग्राउंड नंबर 2 पे पहुंचे। ताई स्कूल वर्सेस सरस्वती एकेडमी, इनका दोनों का जो मैच होगा वो ग्राउंड नंबर 1 पे होगा। ताई स्कूल वर्सेस सरस्वती एकेडमी, ग्राउंड नंबर 2 के लिए एनजीसी कथूरा वर्सेस नवीन कैथल, एनजीसी कथूरा वर्सेस नवीन कैथल, दोनों टीमें पहुंचे हुए ग्राउंड नंबर 2 पे। एनजीसी कथूरा वर्सेस नवीन कैथल, एनजीसी कथूरा वर्सेस नवीन कैथल, दोनों ही टीमें पहुंचे भाई। और ग्राउंड नंबर 1 की भी बता दीजिए, ग्राउंड नंबर 1 के लिए दोनों टीमें तैयार हो जाए भाई। ताई स्कूल वर्सेस सरस्वती एकेडमी, ताई स्कूल वर्सेस सरस्वती एकेडमी, दोनों टीमें तैयार हो जाए भाई। मैदान खाली है जी, मैदान नंबर 2 की टीमें आ जाए। कथूरा स्कूल मैदान नंबर 2 के लिए आ जाए और मैदान नंबर 1 की टीम पाई वर्सेस सरस्वती एकेडमी, ये टीम भी अपने आप को वार्म अप करके मैदान के नजदीक ले आए। सभी खिलाड़ी सभी टीमें नोट कर ले जी, आज प्रतियोगिता का अंतिम दिन है। आप सबको पता है कि 6 बजे के बाद ओस का इफेक्ट आ जाता है, हमारी खेल कमेटी का और हमारे ऑफिशियल का ये प्रयास रहेगा कि हम 6 बजे से पहले पहले फाइनल मुकाबला कंप्लीट समाप्त करवा लें, उसके बाद पारितोषिक समारोह होगा। इसीलिए सभी टीमों से निवेदन है, यदि आप अच्छे से टाइम लेकर के खेलना चाहते हैं तो समय पर मैदान पर, नहीं तो मैचों का समय कम कर दिया जाएगा और जब मैचों का समय कम हो जाता है तो अच्छी अच्छी टीमों का परिणाम प्रभावित हो जाता है। अब आपके हाथ में है, आप कितने समय में है यहाँ पर पहुंचते हैं। और टॉस की कोई प्रक्रिया नहीं होगी जी, जो टीम पहले मैदान पर रिपोर्ट करेगी वो ऑलरेडी टॉस विनर होगी, ये हमारे ऑफिशियल भी नोट कर ले। मैदान नंबर 1 और 2 साथ साथ चलेंगे जी, टीमें आ जाएं जल्द से जल्द। मैं एवरग्रीन वेलफेयर सोसाइटी से निवेदन करूंगा, यदि कोई टीम लेट लतीफी करती है तो आप आदेश दे सकते हैं हमारे ऑफिशियल को, उस
के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। इसीलिए मेरा निवेदन है, आप सभी हमारे सम्मानित अतिथि की तरह हैं सभी टीमें, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं, आप समय पर पहुंचकर और समय पर हमारी इस प्रतियोगिता के समापन के लिए हमारा सहयोग करें। थर्ड रेड है जी, टू और डाई रेड है, नियम आप सभी जानते हैं, रेडर को अंक लेना ही होगा अन्यथा विरोधी टीम के खाते में पॉइंट चला जाएगा। और शानदार डुबकी लगाई, लेकिन उससे शानदार अच्छा डिफेंडर ने और पॉइंट मिलेगा जी मुकेश एकेडमी कलोई को। बोलो जी भाई, ये सन्नी की एक बाइक खड़ी है, इस रोड के ऊपर कोई भी बाइक नहीं लगाओ भाई, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि रोड के ऊपर कोई भी बाइक खड़ी ना करे, और एक ये जो बाइक खड़ी है ये उठाकर नीचे कर दो भाई, आइयो भाई एक बार कुर्ते भाई की। वह जिस भी भाई का व्हीकल गाड़ी अथवा बाइक रोड पे है वो अपनी व्हीकल को रोड पे खड़ा ना करे। एवरग्रीन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा बहुत शानदार पार्किंग की व्यवस्था की गई है, आप की गई व्यवस्था का आनंद ले सकते हैं, अपने व्हीकल को अपनी बाइक को अपनी गाड़ी को एक निश्चित स्थान पर जो निश्चित किया गया है पार्किंग स्थल पर आप ये व्यवस्था करें। और इस मैच का मध्यांतर का स्कोर इस प्रकार है जी, स्कोर बताओ जी, 26-18 इन फेवर ऑफ कानपुर। हाफ टाइम का स्कोर इस प्रकार है जी, 18 अंक है मुकेश एकेडमी कलोई जिला रोहतक के, और उसके मुकाबले 26 अंक है खानपुर स्टेडियम जिला सोनीपत। सीधी सी बात है जी, 8 पॉइंट की निर्णायक बढ़त कही जा सकती है वो खानपुर के पक्ष में है। अगली चारों की चारों टीमें मैदान के नजदीक आ जाएं। हाँ जी प्रदीप जी लठवाल जी, चारों टीमें बताएं जी, मैदान नंबर 1 की और 2 की कौन सी टीमें हैं? मैदान नंबर 1 के लिए पाई स्कूल वर्सेस सरस्वती एकेडमी, दोनों टीमें तैयार हो जाएं भाई, पाई स्कूल वर्सेस सरस्वती एकेडमी। और ग्राउंड 2 के लिए जोई स्कूल वर्सेस कथूरा स्टेडियम भी, भाई ये दोनों टीमें जल्दी पहुंचे। ग्राउंड नंबर 2 पे जोई स्कूल वर्सेस कथूरा स्टेडियम बी, जोई स्कूल वर्सेस कथूरा स्टेडियम बी। धन्यवाद जी। ना ये कौन सी टीम है इधर कोने में? जोई स्कूल है क्या? खड़े करो, कथूरा की टीम है, कथूरा की है ये टीम? मैदान में क्यों नहीं आ रहे आप? मैदान खाली है, आप आ जाओ, बाद में ये कहोगे जी 15-5-15 का दे दो, 10-2-10 का दे दो, सीधा 7 मिनट का मैच होगा, चाय पानी बाद में आप ये मत कहना कि इतना छोटा मैच नहीं खेलेंगे, आप जल्द से जल्द आओ मैदान पर, नहीं तो जो लेट नीति भी आप कर रहे हैं वो आपके समय में से ही समय कम किया जाएगा। भाई ये मोहित लठवाल एक बार स्टेज पे आइए भाई, फर्स्ट एड किट ले गए, एक बच्चे को चोट लगी, ये जो एनजीसी कथूरा और नवीन कैथल के बीच मैच था ये अगला होगा, मोहित एक बार फर्स्ट एड किट लेकर आइए भाई। जोड़ी वर्सेस कथूरा की टीम मैदान के तरफ बढ़ रही है, मैं निवेदन करूंगा जोड़ी की टीम भी आ जाए मैदान पर, अन्यथा वॉकआउट दिया जा सकता है कथूरा की टीम को। ये ऑफिशियल साहिबान से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कोर्ट नंबर 2 पे, ग्राउंड नंबर 2 पे पहुंचे ऑफिशियल साहिबान, और भाई तीन चेयर लगवा दो अंकुर लठवाल, हरिओम लठवाल जी, तीन चेयर और लगवा दो स्कोर टेबल पे,
स्कोर टेबल पे तीन चेयर और लगवा दो। ऑफिशियल साहिबान से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ग्राउंड नंबर दो पे पहुंचे। दोनों ही कोर्टों पे मैच चलेंगे और बहुत ही शानदार मैच होंगे। जैसा बड़े भाई साहब ने बताया कि बाद में कहोगे 15 मिनट का टाइम दे दो, 10 मिनट का टाइम दे दो। जैसे ही टीमों के नाम अनाउंस किए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी आए भाई टीमें। ग्राउंड नंबर दो पे जोड़ी स्कूल वर्सेज कथूरा स्टेडियम, दोनों टीमें पहुंचे हैं भाई दो मिनट में। और मधुर वाणी के धनी हैं माँ सरस्वती से हम आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। हमारी ये प्रतियोगिता लाइव चली हुई है एवरग्रीन वेलफेयर सोसाइटी चैनल पर, यूट्यूब पर। आप जाकर के इस प्रतियोगिता को अपने घर बैठे या दूर दराज विदेशों में बैठे हुए हमारे साथी इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा एवरग्रीन वेलफेयर सोसाइटी मुड़लाना को कि आपकी अच्छी सोच को हम नमन करते हैं। आज आपके माध्यम से 188 देशों से ज्यादा जहाँ जहाँ YouTube चलाई जाती है वहाँ वहाँ वो देश साक्षी बनेंगे, गवाह बनेंगे कि आज मुड़लाना की इस पावन धरा पर एवरग्रीन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा एक बेहतरीन प्रतियोगिता निरंतर अग्रसर है, आगे बढ़ती हुई है। आप सबका, सभी अतिथि मेहमानों का, विशेष तौर पर विकास सांगवान जी, आपने अपने कीमती समय में से समय दिया, आपका हम हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। भाई लठवार साहब से निवेदन है हमारे ऑफिशियल के लिए चाय पानी और रिफ्रेशमेंट की आप व्यवस्था करें। देखिए हमारी कबड्डी प्रतियोगिता की रीढ़ की हड्डी इनको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हरियाणवी भाषा में कहूँ, जिस प्रकार बच्चे के बिना ब्याह नहीं सजता, इसीलिए ऑफिशियलों के बिना भी कबड्डी नहीं सजती। इसलिए इनका ध्यान रखना भगवान का नाम लेने के समान है। इसलिए हमारे ऑफिशियलों को आप समय समय पर चाय पानी जिस प्रकार से कल आपने व्यवस्था की थी उसी व्यवस्था को आप आगे बढ़ाएं। स्कोर बताओ जी। स्कोर है जी 40-29 इन फेवर ऑफ खानपुर। आखिरी 5 मिनट और स्कोर है जी 41-29 41-29 इन फेवर ऑफ खानपुर जिला सोनीपत। मैदान नंबर दो की दोनों टीमें आ जाएं जी। यदि टीम नहीं है तो ऑफिशियल से निवेदन है प्रवीण राठी जी से, विसल बजाओ और दोनों टीमों को पार करो जी। हाँ जी प्रवीण राठी जी, मैदान नंबर दो के ऑफिशियल भेज दो जी और विसल बजा करके दोनों टीमों के खिलाफ एक्शन लो आप। जब तक किसी टीम को आप सेक्रेच नहीं करोगे, बाहर नहीं करोगे, आपकी प्रतियोगिता सफल नहीं होगी। मैं ये लिख के देता हूँ, ये खिलाड़ी इसी प्रकार नेतृत्व करते हैं, जब तक आप एक टीम को सेक्रेच कर दो सभी टीमें टाइम पाएंगी। आप एक्शन लेके देखो एक बार, देखते हैं कैसे टीम नहीं आएगी इस समय पर। बहुत शर्म की बात है। देखिए दोस्तों, क्रिकेट जैसे बड़े खेल को यदि कोई खेल मात दे सकता है तो उस खेल का नाम कबड्डी है दोस्तों। लेकिन क्रिकेट और कबड्डी में एक चीज का बहुत बड़ा अंतर है, वो है डिसिप्लिन का। बहुत पहले मैच बोला जाता, उसके बाद भी टीम नहीं आती
इसके विपरीत आप क्रिकेट में देखिए, एक सेकंड भी मैच लेट नहीं होता, एक सेकंड भी। ये फर्क है, यदि ये फर्क दूर हो जाए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विश्व का सबसे नंबर वन का खेल है कबड्डी। जोड़ी की टीम आ गई, कथुरा की टीम भी आ गई जी। हाँ जी लठवाल साहब, कोई मेहमान है क्या? मैच शुरू कराओ। प्रवीण जी राठी, टीम आ गई है जी। और पहले जोड़ी की टीम पहुंची है, इसलिए जोड़ी टॉप स्पिनर है जी। चॉइस पूछ लो आप। अंतर आ गया थोड़ी देर में, एक रोटी खाने चले गए। कोई नहीं, बहुत जरूरी है भाई। हमारी कमेटी के सख्त आदेश है जी, टॉस की कोई भूमिका, कोई रस्म अदा नहीं होगी। जो टीम पहले मैदान में प्रवेश करेगी वो टॉस विजेता घोषित होगी। और ये मैच समाप्त हुआ जी, खानपुर की टीम इस मैच में विजेता रही। प्रदीप लठवाड़ जी, मैदान नंबर 1 की टीम बुलाओ जी।